प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम इसका पाठ 5 कैसे चलेगी, इसके हमने मौखिक प्रश्न कर लिए, लिखित प्रश्नों को आपको लिखवा भी दिया और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न उत्तर को याद भी कर लिया होगा। आज हम इसके व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे जो कि भाषा से के अंतर्गत आता है। भाषा से के अंतर्गत का पहला प्रश्न है, इसमें हमें जो चित्र दिए हैं उनके दो दो नाम लिखने हैं और दूसरा प्रश्न है तुक वाले शब्द लिखने। कविता में तुक वाले शब्दों का बड़ा महत्व होता है और हमें तुक वाले शब्दों को लिखना है। तो शुरुआत हम करेंगे भाषा से का पहला वाला प्रश्न के। भाषा से चित्र दिया हुआ है, हमें समान अर्थी शब्द या फिर हम कहेंगे चित्र देकर उनके दो दो नाम लिखे। तो चित्र देखते ही आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं और इनके दो दो नाम हम सामने लिखेंगे और दो चित्र दिए हैं। दूसरा चित्र भी एक है, दूसरा चित्र है काले बादलों का। पहला चित्र है पेड़, तो सबसे पहला जो आसान नाम लिखेंगे हम पेड़ लिखे। तो लिखा हमने पेड़ और प्रश्न छूट रहा है, प्रश्न में लिख देते हैं, नहीं तो हमारा ये भाषा से के अंतर्गत था। मैंने आपको बताया था भाषा से के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा से का पहला प्रश्न है कि इन चित्रों के दो दो नाम लिखो, इन चित्रों के दो दो नाम लिखो इन चित्रों के दो दो नाम लिखने हैं। तो पहला हम, मैंने बताया आपको कि पहला हम आसान जो नाम लिखेंगे, यानी कि पादप लिखेंगे, सबसे आसान पेड़ लिखें। पादप भी सही है लेकिन पहला नाम हम जान के आसान लिखेंगे कि पता चले। तो मैंने लिखा पेड़, दूसरा वृक्ष भी कहा जाता है, पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है, तो दूसरा नाम वृक्ष। वृक्ष की जगह आप तरु भी लिख सकते हो, पादप भी लिख सकते हो, तो हमें दो ही नाम लिखने थे, तो तरु और पादप लिखते तभी भी सही होता। तो इस तरह हमने चित्र देख करके दो नाम लिख दिए, पहला पेड़, दूसरा है पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। तो जरूरी नहीं कि जो मैंने दो लिखे आप भी वही लिखे, आप तरु भी लिख सकते हैं, पेड़ को तरु भी कहा जाता है और पेड़ को पादप भी कहा जाता है, तो आप पादप भी लिख सकते हैं, तरु और पादप। तो हमें जानकारी होनी चाहिए, भले हम दो लिख रहे हैं लेकिन हमें नाम का, इन्हें क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द, जो हमने व्याकरण में आपको बताया था कि एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। एक ही जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो ये था हमारा वृक्ष या फिर पेड़ का हमने लिखा। अब ये दूसरा चित्र ध्यान से देखिए, हमारा जो दूसरा चित्र है वह क्या है,
बादल है, बादल को मेघ भी कहा जाता है, घटा भी कहा जाता है, तो बादल भी कहा जाता है, तो आप बादल भी लिख सकते हैं। बादल, घटा, मेघ, तो मेघ आपको जो आसान लगे आप उसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा मेघ, अरे आप मेघ लिख सकते हो, बादल लिख सकते हो, घटा लिख सकते हो, तीनों ही से। तो चित्र देखा, इनके दो दो नाम हमने लिख दिए। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, मिटा देते हैं। भाषा से के अंतर्गत का दूसरा प्रश्न है, तुक वाले शब्द लिखो। अभी तुक वाले शब्द कौन होते हैं? तुक वाले शब्द, तुक वाले शब्द लिखो। तुक वाले शब्द लिखो। तो ये तुक वाले शब्द क्या होते हैं? तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो कवि होता है कविता लिखते समय वो क्या करता है, कविता को आकर्षक बनाने के लिए कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं या पद्यांश जो होते हैं उनमें तुक वाले शब्दों का वो प्रयोग करता है। तो तुकबंदी करता है, जिससे मिलते जुलते उसमें स्वर वाले शब्दों से, इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारी कविता रोचक हो जाती है, पढ़ने में जो श्रोता है उसको आनंद आता, मज़ा आता है। तो जैसे हमें बाह, हमारे अपनी कविता का मैं उदाहरण बता देता हूँ, जैसे पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, तो अपनी दूसरे और चौथे पंक्ति में दोनों में आया हुआ है अपनी अपनी, तो इससे क्या होता है, अच्छा लगता है। जैसे हमारा अंतिम जो पद्यांश है उसमें देखिए, और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी, और प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी, मिलेगी चलेगी, तो ये हैं तुक वाले शब्द, मिलेगी चलेगी कैसे कैसे, तो इस तरह के जो हैं अपनी अपनी, या फिर वो शब्द एक जैसे हों, अगर एक जैसे नहीं होते हैं तो कम से कम क्या होना चाहिए, उनका तुक तो मिलना ही चाहिए। तो अब हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, अब हम उनका तुक मिला करके लिखेंगे। पहला हमारा शब्द है बाह, पहला शब्द है बाह, फिर है दूसरा है हवा, तीसरा है सारी, फिर है खेत, उसके बाद है धरती, फिर है सांस, तो बांध, हवा, सारी, खेत, धरती, सांस,
तो बाह का क्या है? छाह। छाह बाह से मिलता जुलता कौन सा शब्द है? छाह। और ये हमारे पाठ का ही शब्द है। तो देखा, बाह और छाह, इसे कहते हैं तुक वाले शब्द, और ये कविता को कितना आकर्षक बना देती है। जरा हम देखते हैं कि देते सभी को छाह अपनी, डालियों सी बाह अपनी। तो छाह और बाह, इससे कविता क्या होती है? रोचक हो गई है, आकर्षक लगती है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, सुनने में भी मज़ा आता है, और इस कारण से इन्हें तुक वाले शब्द से तुकबंदी जो बनती है वो कविताओं को रोचक करती। कवि जो होते हैं काफ़ी चुन चुन के शब्दों को लेते हैं, क्योंकि कविता बहुत बड़ी लिखी जाती नहीं है, और कविता को छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और उनका महत्व भी होना चाहिए, क्या संदेश कवि देना चाहता है। तो इस कारण से हम कहेंगे बाह का हम लिखेंगे छा, बाह छा। बाह छा हवा सवा 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 किसे कहा जाता है? जैसे 1 रुपये 25 पैसे को 1.25 रुपये कहा जाता है, 1.25 को भी हिंदी में सवा कहा जाता है। तो सवा इस जो शब्द बनाना है उसका अर्थ भी होना चाहिए, याद फिर रखिएगा। जब भी हम तुक वाले शब्द बनाएंगे तो ऐसा ना हो कि उसका अर्थ ही ना हो, तो हमें अर्थ का भी ध्यान रखना है। जैसे बाँह, इसका अर्थ क्या है? बाँह हाथ को कहा जाता है, पूरे पंजे से लेकर के हम कहेंगे कंधे तक, वो पूरी बाँह कहलाती है। छा छाया को कहा जाता है, अर्थ होना चाहिए। कोई ऐसा शब्द हम ना लिख दें जिसका अर्थ ही ना हो, केवल तुक मिलता हो अर्थ ना हो, ये भी गलत है। तो हवा का सवा, सारी का है मारी, सारी का मारी, राहुल ने गेंद को, या राहुल ने गेंद से रवि गेंद मारी, राहुल ने रवि को गेंद मारी, मारना। तो सारी मारी, हवा सवा, बाँ छा। खेत, खेत का तुक वाला शब्द बनेगा रेत, नदी के किनारे रेत होती है, रेत। तो खेत रेत, तुक मिल रहा है इनका, तो मैं लिख रहा हूँ रेत, खेत और रेत। अगला है धरती का, धरती से मिलता जुलता कोई शब्द बनाइए, धरती भरती, धरती का क्या होगा? भरती। जैसे राधा घड़े में पानी भरती है, तो धरती का भरती, भरती भरती धरती भरती। खेत रेत, तो तुक पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये तो तुक वाले शब्द हैं, इनकी जो आवाज़ है मिलती जुलती है। सांस, अगला है सांस, सबने बांस देखा हुआ है, सांस बांस, बड़ा सा लंबा सा पेड़ होता है, पतला सा और लंबा सा, सांस बांस। सांस और बांस। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, जिसे हम कहेंगे तुक वाले शब्द लिखना था। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं, तो तुक वाले शब्दों का हम कहेंगे उच्चारण जो होता है वह बोलने में, हम कहेंगे बोलने में वो उसका तुक मिलता है। बाह छा, हवा सवा, सारी मारी, खेत रेत, धरती भरती, सांस बांस। तो ये था हमारा तुक वाला शब्द, और ये जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको ये तुक वाला शब्द लिखा है आप भी वही लिखें, ये बात ज़रूरी नहीं है, आप कोई अपना भी शब्द लिख सकते हैं।
तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो आपने शायद नोट कर लिया होगा बच्चों ने इसे। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अब करने की बारी। हमारा अगला प्रश्न है अब करने की बारी। और ये व्याकरण वाला नहीं, ये चर्चा के द्वारा हम करते हैं, तो ध्यान से क्या है। अब करने की बात, अब करने की इसको पहले करते हैं। अगर पेड़ ना होते तो क्या होते लिखो, ये चर्चा करेंगे और इसे आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। अगर पेड़ ना होते, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता, तो क्या होता, लिखो। तो ये पेड़ों के महत्व के बारे में बताया आपने, ये जो पाठ पढ़ा, तो इसमें कवि का एक उद्देश्य होता है। कवि क्यों कविता लिखता, केवल पढ़ने के लिए या सुनने के लिए या याद करने के लिए नहीं, कविता में उसका संदेश छुपा होता है। जैसे इसी कैसे चलेगी, तो इसमें क्या है उद्देश्य छुपा, तो वह सबको जागरूक करना चाहता है, सबको हम कहेंगे पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहता है, पेड़ों का महत्व बताना चाहता है। तो कवि का काम केवल सुंदर सुंदर कविताएँ लिख देना ही नहीं होता है, वह चाहता है कि वो लोग उसकी बात सुने, समझे। तो जैसे इस कविता से कैसे चलेगी, उन्होंने हमें पेड़ों का महत्व बताया है। इसको क्यों हमारे चौथी कक्षा का पाठ क्यों बनाया गया, क्योंकि बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, बच्चों को पेड़ों का महत्व पता चलना चाहिए कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे, अगर दुनिया से पेड़ ख़त्म हो जाएंगे या मनुष्य पेड़ों को काट के ख़त्म कर देगा, तो मनुष्य की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी और वह जी नहीं पाएगा। तो ये केवल डराने के लिए नहीं, हमें पेड़ों का महत्व बताने के लिए कवि कविता लिखता है। वो हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम पेड़ों की रक्षा करें, बल्कि हो सके तो हमें और भी पेड़ों को लगाना चाहिए, ताकि धरती न केवल देखने में सुंदर होगी बल्कि हमें साफ हवा मिलेगी, प्राणवायु मिलेगी, ऑक्सीजन जो हमारे पाठ में कहा गया है, प्राणवायु ऑक्सीजन पेड़ ही तो बनाते हैं। तो ये इसके बारे में हमें अपने शब्दों में लिखो, हम ऑनलाइन कक्षा में पे चर्चा करेंगे, याद रखिएगा, और चर्चा के बाद ही आप इसे लिखेंगे। तो ये बच्चों को खुद करने की बारी होती है, ये जो इसमें बच्चों का ही अपने आप की क्या विचार है, जैसे अगर पेड़ ना होते तो क्या होता, अब एक हर बच्चा अपने अपने शब्दों में लिखेगा। अगर मुझे कहा जाता तो मैं यही बताता कि अगर पेड़ ना होते तो कोई भी जीवन नहीं होता पृथ्वी पर, क्यों, क्योंकि सभी को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, प्राणवायु की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो चाहे वो मनुष्य होता, चाहे वो कोई और जीव होता, शेर होता, हाथी होता या चींटी, चींटी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है।
चाहे वो हाथी हो, मनुष्य हो, चींटी हो, पशु पक्षी हो, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है, तो उसके बिना तो कोई जीवित रह ही नहीं पाता। तो अगर पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी पे जीवन नहीं होता। पृथ्वी कितनी देखने में खराब लगती और एकदम हम कहते हैं जैसे कि चंद्रमा हो जाती, केवल सूखी बंजर धरती, कोई जीव जंतु नहीं। तो पेड़ बहुत ज़रूरी थे, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर पेड़ ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ना होता। तो जीवन देने वाला पेड़ बहुत ज़रूरी है, ये है। तो आप अपने शब्दों में इसे लिखेंगे, समझ तो गए आप, आपको इसको अपने ही शब्दों में बना करके लिखना है। दूसरा है ख, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखो। तो भाई ये आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं आपको पता होगा, हो सकता है कईयों के घर के आसपास नीम का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, आम का पेड़ हो। तो आप अपने अनुसार लिखेंगे, आपके घर के पास मुझे तो नहीं पता चलेगा, तो इसलिए आपको ही करने के प्रश्न हैं। हाँ, ऑनलाइन कक्षा में आप बताएंगे और उनको क्या आप पहचानते हैं उनके नाम लिखो। तो ये याद रखना है कि हमें पेड़ की पहचान भी होनी चाहिए। सब पेड़ अलग अलग होते हैं, उनके पत्ते ध्यान से देखिए अलग अलग होते हैं, उनका जो हम कहेंगे उनका आकार जो होता है अलग अलग होता है। कुछ पत्ते, कुछ पेड़ होते हैं उनके पत्ते एक साथ सारे गिर जाते हैं, कुछ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते एक साथ नहीं गिरते। जैसे आम का पेड़, वो हमेशा हरा भरा रहता है, उसके पत्ते हर सीज़न में कुछ ना कुछ गिरते रहते हैं। लेकिन पीपल के पत्ते, जैसे पीपल का पेड़ है, उसके साल में दो बार पत्ते गिर जाते हैं पूरी तरह से, और जब पूरे पत्ते गिर जाते हैं तो पेड़ गंजा सा हो जाता है, लेकिन फिर तुरंत दूसरे पत्ते आ जाते हैं, नए पत्ते उसका स्थान ले लेते हैं। तो साल में दो बार पीपल के पत्तों के, पीपल के पेड़ के पत्ते गिरते हैं, पतझड़ उन पे आती है। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि ये पीपल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये शीशम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है। तो आपको पेड़ों की पहचान तो होनी चाहिए। नीम का पेड़ कितना ज़रूरी होता है उसका, तो नीम का पेड़ भी पहचानना आना चाहिए। हमें पता है कि नीम का पेड़ बहुत अच्छी, एक तरह से उसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ ही होती, चाहे उसकी पत्ती हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे उसकी छाल हो, या पेड़ के पीछे नीम के पेड़ के नीचे बैठने से भी जो बीमारियाँ नहीं आती। लेकिन हमें पहचान तो होनी चाहिए पेड़ों की। तो आप अपने घर के आसपास के पेड़ तो कम से कम पहचान जाइए और उनके नाम आपको लिखने हैं। तो सब बच्चों का प्रश्न अलग अलग होगा, मैं नहीं बता सकता कि किस बच्चे के घर के आसपास नीम का पेड़ लगा है, किसके नहीं, किसी के पीपल का लगा है, तो किसी के कौन सा पेड़ लगा है। तो इसे आपको अपने आप करना है। ऑनलाइन कक्षा में हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। ग है, भाग जो है ग, तुम अपने घर में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, देखो कि उनमें से कौन सी चीज़ें पेड़ों से प्राप्त हुई हैं उनकी सूची बनाओ। तो अपने घर पे जाइए और अपने एक रफ कॉपी ले लीजिए। रफ कॉपी लेने के बाद वहीं से नज़र दौड़ाना शुरू करिए, घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं मेरे घर में। तो सबसे पहले आपको लगेगा, अरे जो पेंसिल जो है जिससे मैं लिख रहा हूँ वो भी पेड़ों से, लकड़ी की बनी है। पर लकड़ी कहाँ से आती है आपको पता है, सही कहा, पेड़ों से आती है। उसके बाद फिर नज़र दौड़ाई जो कॉपी है जिस पे आप लिख रहे हैं, नोटबुक, बुक, ये सब भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। ईवीएस में आपने पढ़ रखा है, तो ये भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप नज़र दौड़ाई खिड़की दरवाजे, घर की जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, आपका जो मेज़ है जिसपे, टेबल जिसपे आप लिख रहे हैं,
वो भी लकड़ी का बना है, खिड़की दरवाजे भी लकड़ी के बने हुए हैं। उसके बाद आप घर में और आगे जाइए, रसोई घर में झांक के देखिए, तो देखेंगे अरे वहाँ तो कुछ बर्तनों के जैसे तवा होता है, तवा का जो होता है हैंडल वो लकड़ी का बना होता है। या फिर और क्या है, जैसे कि बेलन, रोलिंग पिन जिससे रोटियां बनाई जाती है, वो भी लकड़ी का बना है। अरे ये तो पेड़ों से प्राप्त होता है। उसके बाद आप घर में लगी फोटो फ्रेम देखेंगे, फोटो फ्रेम के भी आसपास लकड़ी से ही बना होता है। घर के जितने भी फर्नीचर हैं वो सब किससे बने हैं, लकड़ी से बने। तो आप उन सब के नाम लिखते जाएंगे, जैसे बेलन, रसोई घर में गए तो ध्यान से नज़र दौड़ाया तो उसमें कौन कौन सा था उसकी सूची बना के लिख दीजिए। उसके बाद आपने अपने ही बैग के आसपास देखा, अपने कमरे में, जैसे पेंसिल मैंने बताया, नोटबुक, बुक, और तो दो भी चीज़ें उनमें से देखो कितनी चीज़ें लकड़ी की बनी है और कितनी चीज़ें को बनाने में लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया, या जो चीज़ उनमें पेड़ों से प्राप्त नहीं हुई। जैसे कपड़े, जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो भी क्या है, पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। तो आप सूची बनाते जाइए घर में, जैसे पलंग, लकड़ी का पलंग तो क्या है, वो तो लकड़ी से प्राप्त होता, पेड़ों से प्राप्त होता। उसके बाद हमने देखा टेबल फैन, अरे नहीं, टेबल फैन तो पेड़ों से प्राप्त नहीं होता। रेफ्रिजरेटर, वो भी पेड़ों से प्राप्त नहीं होता। खिड़की दरवाजे, अरे ये तो पेड़ों से प्राप्त होता। हमारी पेंसिल, वो पेड़ों से प्राप्त होती। रोशनदान, बेलन, ये तो पेंसिल से प्राप्त होते। तो ये आपको ऐसे सूची बनानी है और इसी तरह आप इसको करेंगे और ये सूची, और ऑनलाइन कक्षा में आप इसको चर्चा करेंगे। बच्चों की बारी आएगी, वो अपने घरों में जो उन्होंने सूची बनाई है वो पढ़ के बताएंगे। अब है घ प्रश्न हमारा, पेड़ों से संबंधित कविताएं पत्र पत्रिकाएं से इकट्ठा करो, याद करके कक्षा में सुनाओ। तो मैंने आपको बताया पेड़ों से संबंधित जो कविताएं होती हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, उनको हमें इकट्ठा करना है और याद करके कक्षा में सुनाना है। तो जैसे कि ये पेड़ों का महत्व कैसे चलेगी, ये पेड़ों का महत्व बताते हुए कविता लिखी गई है। उसी तरह और भी कविताएं हैं, तो आपका ये काम होगा कि इंटरनेट पे जाइएगा, वहाँ से पेड़ों पर जो कुछ कविताएं हैं उसको कक्षा 3-4 के लिए, या कक्षा 3 के लिए पेड़ों से संबंधित कविताएं छाटिएगा। ज़्यादा बड़ी कविता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों की कविताएं होती हैं वो तो काफ़ी छोटी होती हैं। तो आप उसको याद करके सुनाइएगा, तो हमें एक नई कविता सुनने को मिलेगी जो कि पेड़ों के ही बारे में हमें बताएगी। तो ये था अब करने की बारी, और इस पाठ में एक बड़ी अच्छी कविता भी दे रखी है, पढ़ो, याद करो और गाओ। एक हमें कविता भी दे दी गई है और इसको आपको खुद पढ़ना है, और कक्षा में इसको ऑनलाइन कक्षा में बच्चे गा कर सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही ये कविता बहुत ही आसान है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। तो मेरे घर के पास लगा है पेड़ नीम का हरा भरा, उसकी डाले झुक झुक छूटी, मेरे रहने का कमरा। तो इसको करेंगे अगली कक्षा में, मैं इसकी शुरुआत कविता से ही करूँगा और मैं इसका अर्थ भी बताऊँगा। आज आपका गृह कार्य रहेगा कि अब करने की बारी को आपको करना है, उसकी जो सूची बनाने वाला काम है उसको करना है, और ये जो कविता दे रखी है इसको पढ़ना है, याद करना है, इसका भावार्थ मैं कल बताऊँ। तो ये बहुत
अच्छी और आकर्षक कविता है। तो आज के लिए बस इतना ही।